नमस्कार भक्तों, हर हर महादेव। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि दिवाली के दिन धन लाभ के लिए दिया का मुख जो है किस दिशा में होना चाहिए। तो चलिए इस बात को जानते हैं, क्योंकि हमें उस दिन गलती नहीं करनी चाहिए। दीपावली पर दिए जलाने का प्रचलन काफ़ी समय पहले से है और इसका अपना एक धार्मिक महत्व भी है। दीपावली पर दिए जलाकर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने घर को रोशन करते हैं, अपने घर से अंधकार को दूर करते हैं। और यह अंधकार हमारे तमाम घर से जो दुख हैं, बुराइयाँ है, गरीबी है, सारी चीज़ों को दूर करती है और हमारे जीवन में खुशियों का प्रकाश लाता है। तो दीपावली पे हम लोग इसलिए दिए जलाते हैं और इन दिए जलाने का भी खास महत्व होता है। इसके भी कई सारे नियम हैं जिसके बारे में मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अगर आप सही तरीके से सही दिशा में जब दिए को जलाएंगे तो क्या है कि आपको अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। हमारे यहाँ हर चीज़ का सही नियम बनाया गया है, तो दिवाली के दिन भी दिए जलाने की सही दिशा होती है। क्योंकि क्या हो कि गलत दिशा में अगर हम दिया जलाते हैं तो फिर उससे हमें लाभ नहीं मिलता है। यानी कहने का मतलब है कि दिवाली के दिन अगर हम गलत दिशा में दिए जलाते हैं तो उससे क्या है कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमारे घर पे नहीं बनता, जिसके कारण दिवाली के दिन दिया जलाने के बाद भी हमारे घर में धन दौलत समृद्धि नहीं आती। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा कि हमें किस दिशा में दिया जलाना चाहिए जिससे हमारा परिवार खुशी रहे, सुखी रहे, हमारे घर में धन दौलत आए। कहने का मतलब है कि हम आर्थिक रूप से सक्षम हों। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूं आपको कि हमें धन लाभ के लिए, यानी कहने का मतलब है कि यदि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, आपके घर में धन दौलत नहीं आ रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके घर में धन दौलत आए, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि दिवाली के दिन दिए का जो दिशा है वह दिशा उत्तर की ओर होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप अपने घर में धन दौलत लक्ष्मी चाहते हैं तो आपको दिवाली के दिन जो दिए का मुंह है उसे उत्तर दिशा में रखना चाहिए। उत्तर दिशा की ओर आप रखेंगे तो उससे क्या है कि आपके घर में धन दौलत लक्ष्मी समृद्धि बनेगी। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी करना चाहते हैं तो दिवाली के दिन जो दिए का मुख है उसको उत्तर दिशा की ओर रखें। और इसके बाद यदि आपके परिवार में बीमारी बनी रहती है, कहने का मतलब है कि एक स्वस्थ हो रहा है तो दूसरा बीमार, यानी कहने का मतलब है कि बीमारी से परेशान है, परिवार में सुख शांति नहीं है, यानी कहने का मतलब है किसी के शरीर में कष्ट है, बीमारी है, तो इससे क्या करना चाहिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार स्वस्थ रहे, बीमारियों से दूर रहे, तो इसके लिए हमें जो दिवाली का दिया है उसका मुंह हमें पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि जब दिवाली के दिन आप दिए का मुंह पूर्व दिशा में रखेंगे तो इससे क्या है कि आपके घर से जो बीमारी है, कहने का मतलब है कि परिवार के सदस्य जो हैं वो स्वस्थ रहेंगे, घर से बीमारी दूर होगी, परिवार जो है आपका स्वस्थ रहेगा। तो आप दिवाली के दिन क्या करें कि इस दिशा में दिया जलाएं, कुछ दिशा आप उत्तर दिशा में रख दें और कुछ पूर्व दिशा में रख दें, इन्हीं दो दिशा में आप दिया जलाएं, आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। हर हर महादेव।